देखिए दोस्तों, ये दुकान है यहाँ, मैं दिखाता हूँ क्या क्या है, आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए यहाँ पे कितना बिजली खर्च हो गई होगी कि 5 दिन में 1000 की बिजली भी ख़त्म हो गई और माइनस में 3000 हो गए। देखिए अब मैं कैमरा चेंज करता हूँ तो आपको फिर आइडिया मिलेगी। जैसे ये सारे प्रोडक्ट हैं, मेरे ख्याल से इनमें तो लाइट की यूज़ इस्तेमाल है ही नहीं, सब पानी पे चलते हैं ये, इनमें तो कोई लाइट का काम ही नहीं है, न यहाँ पर बनता है, सब सीधे कस्टमर के ही यहाँ जाके सीधे बनता है। ये CCTV कैमरे को चलाने के लिए TV है, जो कि मैं मोबाइल पे देख काम चला लेता हूँ। बाकी ये देखिए ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो ये एक पंखा है। दुकान देखिए दो पार्ट में बनी हुई है, तो जब मैं आता हूँ तो यहाँ बैठता हूँ, अदरवाइज़ कुछ है नहीं। बाकी इधर मोबाइल का है एक, ये देखिए बहुत हैवी सा फैक्ट्री लेवल पंखा लगा हुआ है ये, एक ये ट्यूबलाइट लगी है और एक ये लगी है, एक ये बल्ब है, जब इन्वर्टर पे आता था तो बल्ब जला लिया जाता था, बस ये लोड है, एक ये इन्वर्टर है जो कि इत्तेफाक से जीनस कंपनी का ही है, जो कि जीनस कंपनी का सरकारी मीटर भी है। अब ये लोड है और उसके हिसाब से समझ लीजिए कि एक हफ्ते में मैंने जो है 4000 की बिजली जला डाली, महीने का 20000 खर्चा हो गया समझ लीजिए खाली बिजली का। मीटर कैसे जादू की तरह भाग रहा है, यहाँ से ये मेरी लाइन गई है और ऊपर बॉक्स से अंदर गई है, कहीं कुछ कट नहीं है और सीधे MCB में आ गई। ये देखिए MCB का वायर भी मैंने निकाल दिया, उसके बाद भी देखिए ये वायर इन और आउट का है, उसके बाद देखिए मैंने वायर भी निकाल दिया कि शायद मीटर रुक जाए, लेकिन मीटर जो है कुछ देर देखने के बाद पता चला कि ट्रिप हो गया, मैंने ज़ीरो दबाए स्टार्ट हो गया, जो उसमें 300 का इमरजेंसी बैलेंस कह लीजिए वो उड़ता जा रहा है। अब कहाँ उड़ रहा है ये तो बिजली विभाग ही बताएगा, और इत्तेफाक बात यह है कि जब से मीटर लगा है ना कोई JEE आया समझाने मीटर कैसे चलेगा क्या चलेगा। जैसे 211 तब देखिए फिर से देखते हैं, 211.50 अभी दिखा रहा, अभी थोड़ी देर में देखते हैं कम हो जाए। अब ये जा कहाँ रही है, अब आप कंप्लेन करेंगे कहीं भी जाएंगे कोई सुनवाई तो होनी नहीं है। पहले तो कनेक्शन नहीं मिलता, कनेक्शन मिलेगा प्रीपेड मिलेगा, प्रीपेड का हाल ये देखिए एक हफ्ता हुआ है, 1000 की बिजली पूरा बिजली विभाग खा गया, क्योंकि दुकान अभी मैं दिखा दूँगा वो भी, वहाँ पे दो छोटे छोटे पंखे हैं और 2-3-4 ट्यूबलाइट जलती हैं, बस भी रात में पंखे एक ही चलता है क्योंकि एक ही साइड में आदमी बैठता है, तो इतना लोड हो गया समझ लीजिए आप। जब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी तो जाहिर अभी कोई सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अब एक आम आदमी है हर हफ्ते 1000-1500 की बिजली कैसे प्रीपेड मीटर में जला के एक दुकान चलाए, और वो दुकान जिसमें बिजली का कोई ख़ास काम नहीं है, सिर्फ रात में लाइट जलाने का ही काम है। कि ब्लिंक हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये कोई बताने वाला नहीं है। ये लीजिए वो बढ़ गया -44 तो 17 हो गया, लाइट कहीं नहीं आ रही ना, वहाँ से निकाले हो रहा है ना, तो आदमी का बंद कर दो हटाओ बंद, अब अपना पैनल हो आदमी स्विच निकाल दे फ्यूज हो वहीं से डायरेक्ट मतलब बहुत भाग रहा है, दुकान में लाइट नहीं है मीटर से भाग रहा है। MCB निकाल दीजिए वो फौरन डाल देते हैं, वो आपका बिल्डिंग में है ना, बिल्डिंग में है तो पूरी बिल्डिंग है खाली है। पहले तो वो फोन का फोन केबल पहली बार केबल टूट जा दिया है, ये केबल के अच्छा ये देखिए रिले आप भी दिखा रहा है, रिले आप दिखा रहा है नीचे खुला दिखा रहा है, ये चार पांच बैलेंस देखिए रात में 3 था इतने टाइम 4425 रुपया हो गया, मतलब माइनस में हो गया और लाइट कहीं नहीं है। अच्छा ये देखिए ये कुछ टेम्पर्ड दिखा रहा है, टेम्पर्ड में जिस मामले में फंसा है, टेम्पर्ड किया आप लोगों ने, यहाँ कोई आता ही नहीं हमारे तक मीटर देखने नहीं आए थे।
कलीम है नंबर, चाहे ले ली। अब इधर 282 कितना, 2861 पता नहीं क्या क्या दिखाता है, कभी कोई बताने भी नहीं आया, ना कोई जेई आया कि समझाए इसको कैसे चलना है। अरे सब प्रीपेड है, कोई आपको बताने वाला ही नहीं मिलेगा। अब इतनी सारी ऑप्शन है आदमी जी, अब लोड देके दिखा रहा है 14 किलोवाट, सुनिए 1 किलोवाट का मीटर है, लोड दिखा रहा है 14.42, फिर कहाँ घुस जा रहा है इतना लोड, कहाँ का है? आप ये बताइए, छह फ्लैट में गाड़ी की पार्किंग कितनी है? अब एक ही गाड़ी खड़ी देख लीजिए, समझ लीजिए उसे आपसे। यार कार है तो टाइम लेगी भाई, अरे टर्निंग लेगी, कुछ घूमेगी। नहीं इससे वीडियो बना रहे हैं ना, क्या करें, अब सबूत रखना पड़ेगा कि भाई इसी ऑप्शन से ये दिखा रहा था। हम तो सोच रहे अब सीधे डब्बा में मान लें कटिया और डंडा रख लें तो चार ठोप जेल जाएं, ये सब होगा भाई, दुकान खोल रहा है भाई, व्यापारियों को जेल जाना पड़ता है हिंदुस्तान में। नहीं आप सोचिए कि हम 1000-1500 की बिजली में पूरे महीने जला लेंगे, 2-3 टॉयलेटी एक पंखा, हमें तो नहीं लग रहा। इतनी सारी चीजें आदमी समझ भी तो नहीं पा रहा क्या क्या है इसमें साला। ये बताइए जब माइनस होगा जी, माइनस में होगा तो माइनस किस देश में दे रहा होगा, क्या पता हाँ? कुछ पता ही नहीं हम लोग, किसी ने आके बताया देश में दे रहे हो भाई, हमारा प्रीपेड है जितना हम दिलाएं उसके बाद ऑटो कट होना चाहिए, वही सब चक्कर। यहाँ तो कहीं के निकले हुए मीटर आ रहे हैं, 2018 का देखिए दिखा रहा है ये, और इस मॉडल का रिव्यू देखिए, काफ़ी लोगों ने इस पर क्लेम किया, ये बंद हो चुका लेकिन इलाहाबाद में लग रहा है अभी, खास कर रही है, मतलब इस पर शायद मुकदमे भी हैं इस पर जीनस के ऊपर, महीनों टहला देंगे, पहले कनेक्शन नहीं देंगे, आप आखिर में आप भी कहेंगे भैया लाओ कुछ भी लगा दो, क्या करें भाई दुकान खोलें, और फिर ऐसा जादुई मीटर आएगा कि देख ही रहे हैं भाई, बिल्डिंग का काम है सब बड़े इंजीनियर ने किया, इसमें कोई डाउट है नहीं, सारी लाइनें सबकी अलग है, पूरी सब ड्राइंग है, पूरा सिस्टम है, यहाँ जिसको बोलना भी नहीं आता तो बता देगा आपकी बिल्डिंग में फॉल्ट है। हेलो यार रात में ये तार और आगे सबने निकाल दिया था वीडियो में, उसके बाद भी मीटर भाग रहा है और दुकान में कहीं कुछ नहीं, मतलब इनकमिंग से भी भाग रहा है। हाँ वहीं से बस भाई, वहाँ सीधा तार हम ही लोगों ने ला के इसमें एमसीपी में जोड़ा था, तार भी निकाल दिया उसके बाद भी मीटर से मतलब लोड नहीं हट रहा,